नए वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट 20 वर्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर से, जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है रिहैबिलिटेशन, जिसका अर्थ होता है पुनर्वास, पुनः सुधार, स्वास्थ्य लाभ आदि। अगला शब्द है स्टॉर्म, इसका अर्थ होता है तूफान। अगला शब्द है एडवाइजरी, इसका अर्थ होता है परामर्श, सलाहकार। अगला शब्द है कंपनसेट, इसका अर्थ होता है क्षतिपूर्ति या नुकसान की भरपाई करना। अगला शब्द है स्नैप, इसका अर्थ होता है सडन, अचानक, गुस्से से कहना, फोटो लेना आदि। अगला शब्द है एट्रोसिटी, इसका अर्थ होता है नृशंसता या महापाप। अगला शब्द है ड्रिजल, इसका अर्थ होता है फुहार, हल्की बारिश, बूंदाबांदी। अगला शब्द है पैथेटिक, इसका अर्थ होता है दयनीय, करुणाजनक। अगला शब्द है रिजॉइस, इसका अर्थ होता है आनंद या खुश करने वाला। अगला शब्द है डिपिक्टेड, इसका अर्थ होता है चित्रित या वर्णन किया हुआ। अगला शब्द है रॉबस्ट, इसका अर्थ होता है हट्टा कट्टा, ज़बरदस्त, बलवान, असभ्य आदि। अगला शब्द है इम्प्रिजनमेंट, इसका अर्थ होता है कारावास, जेल होना या कैद करना। अगला शब्द है मिलिटेंट, इसका अर्थ होता है युद्धकारी, लड़ाकू। अगला शब्द है हारमोनी, इसका अर्थ है मधुर संबंध, समन्वय, एकता, तालमेल। अगला शब्द है डिच, इसका अर्थ होता है खाई या छोड़ना या तोड़ना। अगला शब्द है प्रिजुडाइज्ड, इसका अर्थ होता है पक्षपात या पूर्वाग्रह। अगला शब्द है डिस्क्लेमर, इसका अर्थ होता है नामंजूर, इनकार, अस्वीकार करना, खंडन करना या त्याग करना। अगला शब्द है एग्रीवेट, इसका अर्थ होता है बिगाड़ना, भड़काना, क्रोधित करना, निकृष्ट। अगला शब्द है कॉग्निजेंस, इसका अर्थ होता है परिज्ञान, परख, अवेयरनेस आदि। अगला शब्द है कर्ब, इसका अर्थ होता है नियंत्रण रखना, प्रतिबंध, रुकावट डालना आदि। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।